फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल वसीम यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है वसीम अब्बास। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूट्यूब मोनेटाइजेशन के बारे में। तो इसके रिलेटेड आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखी होगी जिसमें लोगों ने बताया होगा कि यूट्यूब पर कई ऐसे चैनल है जिनके चैनल पर सिर्फ 100, 200 या 300 सब्सक्राइबर है और यूट्यूब ने उनका मोनेटाइजेशन अनेबल कर दिया है और उनकी वीडियो पर एड भी आ रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता ही होगा, यूट्यूब के ऊपर किसी भी चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम होना जरूरी है। सो गाइस, पहला क्वेश्चन ये है कि क्या यूट्यूब पर वाकई में ऐसे चैनल है जिनके 100, 200 या 300 सब्सक्राइबर हैं और यूट्यूब ने उनके चैनल को मोनेटाइज कर दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक यूट्यूबर का अकाउंट लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। उनके चैनल पर सिर्फ 29 सब्सक्राइबर है और उनका चैनल मोनेटाइज हो रखा है। मैं इनके क्रिएटर स्टूडियो में आ गया हूँ और ये देखिए, इनके 29 सब्सक्राइबर, 644 व्यू हैं। अब मैं आपको वीडियो मैनेजर में ले चलता हूँ और यहाँ भी देखिए, वीडियो के सामने इनके ग्रीन कलर का सिंबल दिख रहा है और इनकी जितनी वीडियो है वो सब मोनेटाइज है। अब मैं इनकी एक वीडियो आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं मोनेटाइज विथ एड्स एनेबल है और सारी एड्स प्रॉपर लगी हुई है। और यहां भी देखिए, इनका मोनेटाइजेशन अनेबल है। अब मैं यहाँ व्यू मोनेटाइजेशन पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ कि इनका मोनेटाइजेशन अनेबल है। अब मैं आपको इनका एडसेंस अकाउंट ओपन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए, इनका एडसेंस जो है वो भी प्रॉपर काम कर रहा है। तो इसके अलावा जो है, कुछ लोगों का बोलना है कि जो चैनल 2013 और 2014 के चैनल हैं वो मोनेटाइज हो रहे हैं। तो इस बात का ही मैं आपको यहाँ आंसर देने वाला हूँ। इसके लिए चलते हैं इनके चैनल के माय चैनल में। और ये देखिए अबाउट में 29 सब्सक्राइबर और 644 व्यू। और इन्होंने जो ज्वाइन किया है वो है 24 जून 2016 को। तो अब जिनका डाउट था कि 2013 और 2014 के ही चैनल मोनेटाइज हो रहे हैं, तो आपका डाउट अब क्लियर हो गया होगा। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने चैनल कब बनाया है, आपका चैनल 2013 या 2014 का है या कभी कभी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। सभी चैनल यहाँ पर मोनेटाइज हो रहे हैं, वो भी सिर्फ यूट्यूब के बग के कारण। तो आपका चैनल भी हो सकता है। तो अब बात कर दें, कुछ लोगों ने कहा था कि आपका चैनल अगर 2013-2014 का है और आप यूट्यूब को मोनेटाइज करने के लिए मेल करते हैं तो आपका चैनल यूट्यूब मोनेटाइज कर देगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ, अपने यूट्यूब चैनल से ईमेल करने का ऑप्शन सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जिनका चैनल मोनेटाइज होता है और जिनके चैनल पर एड आ रही होती है। अब मैं आपको एक चैनल लॉगिन करके दिखा देता हूँ। मैं इस चैनल के हेल्प एंड फीडबैक पर आ गया हूँ और ये देखिए, ये चैनल मोनेटाइज नहीं है, इसलिए इस पर ईमेल का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। अब इसके अलावा कुछ लोगों ने कहा था कि आप सेंड फीडबैक पर मैसेज करते हैं तो ऐसे में यूट्यूब आपका मोनेटाइजेशन अनेबल कर देगा। तो मैं आपको बता दूँ, आप कभी भी यहाँ पर राइट योर फीडबैक लिखकर कुछ भी भेजते हैं तो यूट्यूब उसका कभी भी रिप्लाई नहीं करता है। यूट्यूब सिर्फ एक फीडबैक मानकर उसे स्टोर कर लेता है और उस पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर कुछ भी लिखकर भेजेंगे तो आपको यूट्यूब की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आने वाला है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जिनके 1000 से कम सब्सक्राइबर हैं तो उनका मोनेटाइजेशन कैसे अनेबल हो रहा है। तो मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि ये यूट्यूब का सिर्फ एक बग है, क्योंकि इस समय यूट्यूब पर बहुत सारा प्रेशर है कि जितने भी चैनल हैं जिनका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो चुका है तो उनका चैनल मोनेटाइज किया जाए। तो इसी चक्कर में कुछ चैनल मोनेटाइज हो जा रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी यहाँ फिक्स कर लिया जाएगा। और यूट्यूब ने अपने ब्लॉग के कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन के आंसर दिए हैं कि जिनका चैनल मोनेटाइज गलती से ऑन हो गया है वो जल्दी डिसेबल कर दिए जाएंगे और जब उनके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम हो जाएगा तब उनका वापस से मोनेटाइजेशन अनेबल कर दिया जाएगा। जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा मकसद किसी भी क्रिएटर को टारगेट करने का नहीं था,
अगर वीडियो देखकर किसी भी क्रिएटर को बुरा लगा हो तो भाई दिल से सॉरी। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे कि मैं अपनी न्यू वीडियो जैसे ही अपलोड करूंगा आपको पता चल जाएगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट्स करके बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।